सब लोग जो नीट 2026 में अपीयर होने वाले जो बच्चे आज 11th क्लास में बैचेस में स्टार्ट कर रहे हैं ना, वो सब लोग ही सिलेक्शन लेना चाहते हैं। लेकिन आखिर क्या क्या डिफरेंस क्या आएगा, आखिर ये रफ्तार जो चालू होगी वो क्यों कम हो जाएगी या क्यों ऐसा होगा, उसके पीछे का लॉजिक सीधा सीधा ये है कि आपकी कंसिस्टेंसी कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन यहां पर अब दिक्कत आनी शुरू होगी कि सर स्कूल में भी डाउनफॉल आएगा, थोड़ा बहुत पीडब्ल्यू के टेस्ट में हो सकता है टेस्ट ही मिस करना शुरू कर दें, या फिर आप क्या करना शुरू कर दें कि अरे सर मैं 2.0 से पढ़ता हूँ, 3.0 से मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजिकल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री यहाँ से तीन पोर्शंस में डिवाइड है तो फिजिकल केमिस्ट्री मैं पढ़ाऊंगा, फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ी सी 11th की थोड़ी सी दर्द भरी हो सकती है, दर्द इसलिए के क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। लेकिन तुम सारे के सारे अर्जुन हो यार, तुम सारे अर्जुन आज ये वाले अर्जुन हो, तुम्हारा निशाना अपना फिक्स्ड है, तुम्हारा निशाना पता है क्या करना है, नीट 2026 सिर्फ और सिर्फ एक ही निशाना है अपने पास और वो है अपना नीट क्लियर करना। देखो यार ऑलरेडी बहुत सारा मोटिवेशन अभी बहुत हाई होता है, अभी बहुत ज्यादा हाई होता है, अभी लगता है कि बस पढ़ाई कर लें कि सिलेक्शन हो ही जाएगा, और कभी कभी उसमें कुछ गलतियां होती हैं। अगर कोई पेरेंट्स सुन रहे हैं या कुछ भी, तो आप लोगों से बस थोड़ा, बच्चों आपसे ही बोल रहा हूँ, क्योंकि हर एक टीचर जब शुरुआत में आता है तो वो एक उम्मीद लेके आता है कि यार इस बैच से रैंक लेके आना, इस बैच से ये वाला बैच लेके आएंगे। जैसे जब नीट 2025 वाले जो अर्जुना वाले हैं, जो लास्ट ईयर के अर्जुना हैं, उनमें से उन लोगों ने प्रॉमिस किया हुआ है कि सिंगल डिजिट रैंक आना ही आना है, और वो पता है तुम्हारे चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं सिंगल डिजिट रैंक लेके आने के। क्यों ज्यादा होते हैं, उसके पीछे का लॉजिक है, क्योंकि जब तुम 11th क्लास में स्टार्ट करते हो और 11th क्लास की स्टार्टिंग अगर अच्छी हो गई, अगर तुमने स्टार्ट से मेहनत करी, तो आपके पास जो एक बोलते ना कि जो एक टाइम का जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, जो आपके पास टाइम मिलता है, जो आपको 2 साल 2.5 साल आपको मिल जाते हैं, वो किसी और बच्चे को जो खासकर 12th में है या खासकर जो रिपीटर्स में है, उनको नहीं मिलता। 11th वालों को अर्जुनाज के चांसेस ज्यादा है नीट में सिलेक्शन के। क्यों? क्योंकि आपके पास बहुत सारा टाइम है, आप अगर गिरोगे बिना उठने के चांसेस फिर से हैं, आप 2 महीने गिर जाओगे फिर से उठ सकते हो, फिर से उठ सकते हो, क्योंकि आपके पास टाइम है। लेकिन यही टाइम ना आपके लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है अगर आपने सही से यूटिलाइज नहीं किया तो। क्योंकि हम लोग 11th में होते हैं, बहुत शौक होता है, कह रहे यार हम तो ये हैं वो हैं, ये दिक्कत यही है कि भैया टाइम पे अपने पास टाइम का यूटिलाइजेशन अगर करना सीख गए तो अगले 2 साल लिख के देता हूं आपके ही होंगे, ये 2 साल आपके ही होंगे, नीट 2026 का सिलेक्शन आप ही लेके जाओगे। आज बोल रहा हूं, बहुत सारे बच्चे जो ऑब्वियसली यूट्यूब पे ऐप में कल से ऐप पे क्लास हो जाएंगे, आज यूट्यूब पे क्लासेस हो रही है, तो कल से जब ऐप में आओगे, वहां जब अटेंडेंस होगी, वहां जब स्कॉलर्स बनेंगे, आपके टेस्ट होंगे, तो डिसाइड होना शुरू होता है। आज तो क्लास में सब लोग यस सर करेंगे, अगर मैं अभी पूछूंगा कौन कौन सिलेक्शन लेना चाहता है, कौन कौन नीट 2026 अच्छे से अटेम्प्ट करना चाहता है, यस और नो में बता दो, कौन कौन नीट 2026 में सिलेक्शन लेना चाहता है, देखो कितने यस आएंगे, सब लोग लेना चाहते हैं, सब लोग जो नीट 2026 में अपीयर होने वाले जो बच्चे आज 11th क्लास में बैचेस में स्टार्ट कर रहे हैं ना, वो सब लोग ही सिलेक्शन लेना चाहते हैं। लेकिन आखिर क्या क्या डिफरेंस क्या आएगा, आखिर ये रफ्तार जो चालू होगी वो क्यों कम हो जाएगी या क्यों ऐसा होगा, उसके पीछे का लॉजिक सीधा सीधा ये है कि आपकी कंसिस्टेंसी। मैं बस इतना चाहता हूं, पेरेंट्स से ही बोलूंगा, आप बच्चों से ही बोलूंगा कि भैया बस इतना ही रिक्वेस्ट है आप सबसे, आपने स्टार्ट आज अपने पास बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग आए हो, आप लोग पढ़ना चाहते हो, अपना सिलेक्शन लेना चाहते हो, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक दिक्कत है इसके साथ, ये अच्छी बात हर एक दिन खुद को बोलना कि मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे सिलेक्शन चाहिए, ये अगले तो 2 साल तक अगर लगातार आप बोलते रहे और आप करते रहे, तो आप समझ जाइए आप सिलेक्शन के पास हैं। हम सब टीचर्स जानते हैं, हर एक साल ना, मतलब जैसे मुझसे कोई पूछ दे अगर मुझे नीट 2000, देखो बेटा आपका टारगेट जो है ना, आपका टारगेट ये है नीट 2026 है, नीट 2026 सीधा सीधा एक पेपर होना है, उस दिन डिसाइड होना है, ऑब्वियस इसके बीच बहुत सारी चीजें। आप अगर 11th क्लास आज स्टार्ट कर रहे हो, 11th क्लास आज आप 8th अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हो ना, आपको मैं एक कुछ टाइमलाइन बता रहा हूं, 8th अप्रैल 2024 से आप अर्जुना बैच स्टार्ट कर रहे हो, आप अर्जुना बैच फिनिश करोगे, आज आपने अर्जुना बैच स्टार्ट किया, अर्जुना बनना शुरू किया। लेकिन दिक्कत क्या होती है ना, अर्जुना बैच स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे लोग स्टार्ट करेंगे अर्जुना बैच, लेकिन दिक्कत क्या होगी, विद इन 2 मंथ्स आज अपने पास ग्राफ जो होगा ना वो गिरना शुरू होगा, दो लोगों का बस सुन लेना। देखो ग्राफ बढ़ेगा और ग्राफ गिरेगा भी, कुछ लोगों का ग्राफ बढ़ेगा और ग्राफ गिरेगा भी। कैसे? सर नीट 2026 तक जाने के रास्ते में अगले 2 महीने के अंदर आपका पूरा एक फ्लो चार्ट बना देता हूं, आप अपने आप आज बता देता हूं नीट 2026 तक का रास्ता कैसे होने वाला है। कुछ लोगों का ग्राफ, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो क्लास क्या होंगे, क्लासेस मिस हो जाएंगी, और जब क्लास मिस होगी, या फिर अगर मैं बोल दूं कि सर थोड़ा बहुत, मतलब होता है ना कि सेल्फ स्टडी, स्टडी कहीं ना कहीं कम होगी, स्टडी एंड प्रैक्टिस कुछ ना कुछ तो कम हो जाएगी, और यहीं पर एक बच्चा आएगा
देखना ध्यान से, यहीं पर जो बच्चा आएगा जो स्टडी क्लास डीपीपी और क्वेश्चन आज स्टार्ट हो रहा है, आज सब लोग स्टार्ट करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं क्लियरली कि हाँ सर ये होगा, ये देखिए ये सब कुछ करेगा, जो सब कुछ करेगा सर वो अपने स्कूल में भी अच्छा करने वाला है, उसका स्कूल में भी अपना अच्छा मार्क्स आएगा और नीट वाले जो टेस्ट होंगे, जो हमारे पीडब्ल्यू के जो टेस्ट होंगे, वो सब कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन यहां पर अब दिक्कत आनी शुरू होगी कि सर स्कूल में भी डाउनफॉल आएगा, थोड़ा बहुत पीडब्ल्यू के टेस्ट में हो सकता है टेस्ट ही मिस करना शुरू कर दें, या फिर आप क्या करना शुरू कर दें कि अरे सर मैं 2.0 से पढ़ता हूं, 3.0 से पढ़ता हूं। लेकिन जो ये बैच में, जिस बैच में आप पढ़ रहे हैं सर, मैं सच बता रहा हूं, 8 अप्रैल से आप चालू करिए, नेक्स्ट टू मंथ्स में ये चीजें आपके अंदर आनी शुरू होंगी। और अगर आप इस कैटेगरी में आ गए तो बेटा मैं नहीं चाहता, सच बताऊं एज अ टीचर मैं कभी नहीं चाहता कि आप इस कैटेगरी में आए, क्योंकि यहां से ना 11th फिर आपका 11th क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, ये 11th क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। मैं चाहता हूं आप एक नशा ले लीजिए, आज से एक ना एडिक्शन पकड़ लीजिए। एडिक्शन क्या है? कुछ नहीं, सिर्फ 4 चीजें करनी है बेटा, आपको सिर्फ 4 चीजें करनी है, स्कूल में भी टॉप करोगे और पीडब्ल्यू के मार्क्स भी अपने पास अच्छे आएंगे, मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। बस एक अगले 2 महीने, मैं आपको बहुत 2 साल तो नहीं बोल रहा हूं, अगले दो महीने बस इतना पकड़ लीजिए कि सर मुझे ना क्लास मिस नहीं करनी है, मुझे अपने पास स्टडी करनी है, अच्छे से प्रैक्टिस कम नहीं करनी है। मैं इस कैटेगरी में नहीं आना चाहता, मैं नीट 2026 की बात करूंगा, लेकिन पहले मैं 2 महीने बस आपसे एक प्रॉमिस चाहता हूं कि सर आप चाहे जितना कुछ करवा लीजिए, मैं क्लास मिस नहीं करूंगा, स्टडी अपना कभी मिस नहीं करूंगा, डीपीपी कभी छोड़ूंगा नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, बस आप इतना प्रॉब्लम बस फेस कर लीजिए। आपको मैं बता रहा हूं, आप इसको अगर आपने 2 महीने अगर अपने अच्छे कर लिए, मैं बेटा लिख के दे रहा हूं 11th तो स्ट्रांग होगा ही होगा और नीट 2026 आपको आसान लगेगा। 2026 तो छोड़ो, बहुत सारे बच्चे अभी जो 11th अभी अर्जुना से जो लक्ष्य में कन्वर्ट हुए हैं उनसे पूछोगे अभी वो पेपर दे सकते हैं, आधे से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर उन्होंने ये काम किया है। ये काम आप अगले 2 महीने बस कर दो, अगले 2 महीने। हार्डवर्क स्मार्ट वर्क मुझे नहीं मतलब, आप हार्डवर्क करो स्मार्ट वर्क करो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ रहा। मैं एज ए टीचर मैं चाहता हूं कि मेरे सामने स्क्रीन के उस साइड जो भी बच्चा बैठा है, जो भी पेरेंट्स बैठे हैं, अपने बच्चे को यहां देखना चाहते हैं। और ये यहां देखने का प्रोसेस स्टार्ट कहां से होगा बेटा? अगले 2 महीने अगर आपने क्लास अच्छे से अटेंड करी, चाहे जो अपने पास कहीं पढ़ने का मन हुआ नहीं हुआ। एक सिंपल सी बात बताता हूं बेटा, ये आइसक्रीम की दुकान नहीं है कि सर मुझे ये फ्लेवर पसंद नहीं तो मैं वो खाऊंगा ये खाऊंगा, नहीं, ये एक रियल लाइफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम है जहां पर एक एग्जाम, वन पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, ये कहने में अच्छा लगता है लेकिन वन पेपर कैन डिसाइड योर एलिजिबिलिटी और योर फ्यूचर, ये सीधी सी बात है, ये रियलिटी है, ठीक है? तो ये सब मजाक चीजें अलग हैं, लेकिन हाँ रियलिटी है कि वन पेपर कैन डिसाइड योर फ्यूचर, योर कैरियर। तो प्लीज बेटा अपने पास, मैं अगले ये 26 तक जाने की बात ही नहीं कह रहा हूं, मैं बस इतना बोल रहा हूं कि बेटा आप बस इतना इस कैटेगरी में मत आओ। मैं आप सबसे आज एक प्रॉमिस चाहता हूं कि सर मैं अगले 2 महीने सारी की सारी क्लास अटेंड करूंगा, सारी की सारी डीपी अटेंड करूंगा, क्वेश्चन करूंगा, बाकी उसके बाद की गारंटी मेरी है। अगले 2 महीने आप करके दिखा दो, 8 अप्रैल से लेकर 8 जून तक आप करके दिखा दो, मैं लिख के देता हूं बेटा। जितने लोग स्कूल से परेशान होंगे इधर उधर सबकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। ये मुझे कौन ये प्रॉमिस कौन कर रहा है? अगले 2 महीने, नेक्स्ट 2 मंथ्स, यू विल गिव योर 100% टू दिस बैच, यू विल गिव योर 100% टू दिस टीचर्स, टू द स्टडी, टू द क्लासरूम, दिस डीपीपी, सब कुछ। कौन दे रहा है? अगले 2 महीने, तू 2 महीने बस कर दे भाई, मैं तुझे सच बता रहा हूं। ये सारे के सारे, किसी को लगता हो सर 2 महीने में 2 साल का सिलेक्शन, मैं सिर्फ बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि सर एक कहावत पड़ी गई होगी, 21 दिन में ना लोगों को आदत लग जाती है। मैं देखो कितनी चालाकी से तुमसे 2 महीने का प्रॉमिस ले रहा हूं, 2 महीने बाद ना तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाएगा कि यार मुझे करना क्या है। अभी तुम्हें यही नहीं पता होगा करना क्या है, इसलिए बोला बस अगले 2 महीने मेरे साथ साथ यहां पर स्टडी करना है, डीपी सॉल्व करनी है, क्लास के क्वेश्चंस करने हैं, आपको क्वेश्चंस करवाई जाएगी, ये प्रॉमिस कर लो। पिंकी प्रॉमिस हो चाहे जैसा भी प्रॉमिस हो भैया होना चाहिए। ये 2 महीने आप कर लो, इसके बाद की गारंटी यहां से यहां लेके जाने की अपनी अपनी होगी। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट 2 मंथ्स में अगर आपने ये वाला कैटेगरी में आप आ गए, इस कैटेगरी में आ गए, फिर तो आप ऑब्वियस आपका स्ट्रगल अलग हो जाएगा। लेकिन आप इस कैटेगरी में आ गए ना सर, यहां तक, यहां पर सिर्फ एक ब्रेक आएगा आपकी जिंदगी में, आप बस यहां पर लक्ष्य में पहुंचोगे 2025 वाले में, और उसके बाद 2026 वाले में, लक्ष्य 2026 में पहुंचोगे, और उसके बाद बिना किसी ब्रेक के, नो ब्रेक, आप सीधा सीधा सिलेक्शन लेके जाओगे, नो ब्रेक,
सीधा सीधा सिलेक्शन, सीधा सीधा सिलेक्शन होगा। सिर्फ ये शुरुआत के 2 महीने 3 महीने आपने अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, लिख के देता हूं बेटा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत पता है किनके साथ आती है? जो यहां बैठे हैं ये बेटा, इनको दिक्कत आएगी। अब ये क्या करेंगे कि सर इलेवेंथ वेस्ट कर दिया है, इलेवेंथ वेस्ट कर दिया है, तो अब इलेवेंथ सही कैसे करें, इलेवेंथ कैसे सही करें, ये सोचेंगे। और इनके लिए प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स होंगी, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स होंगी। तो इसीलिए आज पहले दिन बस ये बता रहा हूं बेटा, आपको आपकी जिंदगी का बस अगला 2 महीना देना है बेटा। ऐप में कल से क्लास चालू होगी, आज अपने पास। हाँ, कैमरा प्रॉमिस एक बच्चे ने लिखा, कैमरा प्रॉमिस। यस सर, कैमरा प्रॉमिस, ठीक है, आज स्क्रीन पे ये प्रॉमिस रहेगा। 10th में मैं मेहनत करना सीख गया, नहीं बेटा यहाँ और ज्यादा मेहनत लगेगी। मैं आप सबको सच बताऊं, आज पहला दिन है, किसी को ये ना लगे, क्यों? क्योंकि इसका रीजन ये है कि मुझे पता है आपके अंदर क्या क्या चीजें अभी और डालनी है और वो कैसे कैसे टाइम के साथ डेवलप होंगी। अगले 2 महीने बाद हमें क्लास में ये पता चलने लगता है। अच्छा, अगले 2 महीने एक दो चीजें और बता दूं, पीडब्ल्यू में किसी को लगता हुआ अटेंडेंस नहीं होती है, पीडब्ल्यू में अटेंडेंस होती है, बस वो अटेंडेंस आपको स्कूल की तरफ प्रेजेंट और एब्सेंट नहीं दिखता। पीडब्ल्यू की अटेंडेंस आपको चेक करनी है, एज ए पेरेंट भी आपको बता रहा हूँ, खासकर पेरेंट्स को बता रहा हूँ, अपने बच्चे का अटेंडेंस आप देख सकते हैं कैसे। आपको बच्चे का एक तो वीडियो कंप्लीट होगा बेटा, तो मार्क एज अ कंप्लीट आ जाता है, वीडियो ड्यूरेशन पता चल जाती है, पेरेंट्स उस पोर्टल पे जाके देख सकते हैं। दूसरा, तुम भी अपने आप को देख सकते हो। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फायदा, आप अगर अगले 2 महीने अच्छे से पढ़ाई करते हो तो यू विल बिकम पीडब्ल्यू स्कॉलर। पीडब्ल्यू स्कॉलर कौन होता है? वो बच्चा होता है जो जिसके बारे में, जिसको होता है ना इंस्टाग्राम पे ब्लूटिक मिलता है, जैसे फेसबुक पे ब्लूटिक यहाँ वेरीफाइड अकाउंट होता है, वैसे वो वेरीफाइड बच्चा होता है। उसके टेस्ट के मार्क्स नहीं पूछे जाते, उससे स्कूल के मार्क्स नहीं पूछे जाते, उससे सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे की ये चीज देखी जाती है कि वो स्टडी कर रहा है क्या, डेली क्लास कर रहा है क्या, क्वेश्चंस डीपीपीए कर रहा है क्या, क्या वो टेस्ट दे रहा है क्या, बस इतने ही क्राइटेरिया होता है बेटा। आपके मार्क्स ज्यादा आए चाहे कम आए, ये हमारी टेंशन अभी आपको देनी ही नहीं है। आप बस 11th के शुरुआत के 2-3 महीने साथ में पढ़ें, हम आपको बनाएंगे पीडब्ल्यू स्कॉलर, और पीडब्ल्यू स्कॉलर से आपका सिलेक्शन होगा पक्का। क्यों सर? उसमें कुछ भी नया नहीं करना है, उसमें कोई कंपटीशन नहीं, हर एक बच्चा बन सकता है पीडब्ल्यू स्कॉलर। क्यों? क्योंकि सर उसमें सीधी सी बात है, अटेंडेंस डेली लगाइए, क्लास डेली आइए, पीडब्ल्यू स्कॉलर बनिए। और यूट्यूब पे नहीं, कल से बेटा क्लास अटेंडेंस चालू हो जाएगी, कल से, हाँ कल से वहां स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। डीपीपी बेटा होता है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, डेली जैसे क्लास होगी उसके साथ साथ प्रैक्टिस शीट दी जाएगी, आपको वो प्रैक्टिस शीट अटेम्प्ट करनी है। ऐसे आज की क्लास में तो नहीं मिलेगी, बट कल की क्लास से स्टार्ट हो जाएगा। हाँ बेटा, आपके ऊपर है, आप जितना सर यहाँ पर, बस ये अगले 2 महीने मैं आपसे मांगता हूँ, बस ये 2 महीने दे दो, 11th की आदत लग गई, फिर आप दुनिया में, सच बता रहा हूँ, अगर आपने ये वाला जो जर्क है ना, ये वाला जो शिफ्ट है 11th का जो शिफ्ट है, ये शिफ्ट अगर आपने साथ साथ अच्छे से कर लिया, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस क्लास अटेम्प्ट कर लेना।